व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, अर्थात जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे तो अपने आप खेलने लगते हैं। मैं एस के मिश्रा शार्प करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं, ऐसे मैंने 19 सेंटेंसेस दिए हैं आज, 19 सेंटेंसेस जो आपको बहुत पसंद आएंगे। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं, ये इतना छोटा मत समझो, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं, ऐसे बहुत बोला जाता है। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? I was not born yesterday, अरे मैं कल पैदा नहीं हुआ था, मैं कल का बच्चा नहीं हूं, दूध पीता बच्चा नहीं हूं, अकल है मुझ में, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, द पुलिस आर आफ्टर मी, द पुलिस आर आफ्टर मी, तुम्हारे घर तो पैसे की बरसात हो रही है, तुम्हारे पैसे तो आजकल तो पैसे की बिल्कुल बरसात हो रही है भाई, यू आर मिंटिंग मनी दीज डेज, इन दिनों तो पैसे की तुम्हारे यहां बरसात हो रही है। इन दिनों की अंग्रेजी अगर लगानी है, दीज डेज इसमें प्लस कर दें आखिर में। कल मैं खून का घूंट पीकर रह गया, कल मुझे इतना गुस्सा आया, बस मैंने गुस्से को बस रोक लिया। आई पॉकेटेड द इंसल्ट यस्टरडे, कल मैं खून का घूंट पीकर रह गया। पॉकेटेड, पॉकेट द इंसल्ट का अर्थ होता है इंसल्ट, बेइज्जती सहन करना। आई पॉकेटेड द इंसल्ट यस्टरडे, पॉकेट माने वैसे जेब होता है और सहन करना भी होता है। आई पॉकेटेड द इंसल्ट यस्टरडे, कल मैं खून का घूंट पीकर रह गया, कल हम में गर्मा गर्मी हो गई। अब गर्मा गर्मी की अंग्रेजी क्या होगी? एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स, एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स का मतलब है कुछ उसने बोले गर्म शब्द, कुछ मैंने बोले, और इस तरीके से गर्मा गर्मी हो गई। देखें, कल हम में गर्मा गर्मी हो गई, वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स यस्टरडे, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ बात हो गई कल हमारे उसके बीच, कहन सुनन हो गई, कहने का मतलब यह है वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स यस्टरडे। घड़ी मिला लीजिए, कभी कभी कहते हैं घड़ी मिलाने, तो यदि बाहर की घड़ी है, बड़ी वाली घड़ी है, दीवार घड़ी, तो क्लॉक बोलेंगे, और हाथ की घड़ी है तो वॉच बोलेंगे। प्लीज सेट द क्लॉक, घड़ी मिला लो भाई, अपने आप को सुधार लो, मेंड योर वेज, अपने आप को सुधार लो, तुम्हारी कमीज फटी हुई है, योर शर्ट इज टॉर्न, टॉर्न फटी हुई, TORN, टॉर्न थर्ड फॉर्म है, योर शर्ट इज टॉर्न, तुम्हारी कमीज फटी हुई है, टॉर्न माने फटी हुई, उससे जान छुड़ाकर मुझे बड़ी खुशी है भैया, उससे छुटकारा मिला, तुम रूठे हम छूटे, अर्थात छुटकारा मिला। आई एम हैप्पी टू गेट रिड ऑफ हर या हिम, स्त्री जाति से छुटकारा मिल गया है, किसी स्त्री से तो हर आएगा, और आदमी से छुटकारा मिल गया है तो हिम आएगा। आई एम हैप्पी टू गेट रिड ऑफ हिम, टू गेट रिड छुटकारा पाना, आई एम हैप्पी मैं खुश हूं, उससे छुटकारा पाकर मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी टू गेट रिड ऑफ हिम। तुम्हारा क्या जाता है भाई, तुम्हारा क्या जा रहा है, वट डू यू लूज, तुम्हारा क्या जा रहा है, ऐसे कितना बोला जाता है, वट डू यू लूज, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम किस चक्कर में हो, वट आर यू एट, वट आर यू एट, किस चक्कर में हो भाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई फील गिडी, आई फील गिडी, GIDDY, आई फील गिडी, मुझे चक्कर आते हैं या मुझे चक्कर आ रहे हैं, अंग्रेजी एक ही बनेगी। बच्ची रोते रोते सो गई, बच्ची रोते रोते सो गई, द गर्ल वेप्ट हर सेल्फ टू स्लीप, द गर्ल वेप्ट हर सेल्फ टू स्लीप, इंसान को ठोकर खाकर ही अकल आती है, ये बात तो सच है,
ठोकर जब तक नहीं खाएगा इंसान उसको अकल ही नहीं आती है। वन इज वाइजर, वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट, जब कोई घटना हो जाती है तभी बुद्धि आती है। वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट। क्या तुम्हें घड़ी देखना आती है? कैन यू रीड द वॉच या क्लॉक, एक ही बात है। कैन यू रीड, अब पढ़ने के लिए आता है रीड वैसे, लेकिन देखने के लिए भी यही आएगा। क्या आपको घड़ी देखना आता है? क्या बच्चे को घड़ी देखना आता है? कैन दिस चाइल्ड रीड द वॉच, क्या ये बच्चा घड़ी देखना जानता है, घड़ी देख लेगा ये? कैन यू रीड द वॉच या क्लॉक, जो भी कुछ है, दीवार घड़ी है तो क्लॉक, हाथ की घड़ी है तो वॉच। कैन यू रीड द वॉच या क्लॉक। बात पक्की हो गई है। टर्म्स, टर्म्स माने वैसे शर्तें होती हैं। द टर्म्स आर सेटल्ड, शर्तें मान ली गई हैं, सेट हो गई हैं, शर्तें हो गई हैं दोनों के बीच सेट। द टर्म्स आर सेटल्ड, बात पक्की हो गई है, बात पक्की नहीं हुई है। द टर्म्स आर नॉट सेटल्ड, द टर्म्स आर नॉट सेटल्ड, बात पक्की नहीं हुई है अभी। मेरा जी मिचला रहा है, वॉमिट, वॉमिट उल्टी करने को कहते हैं। फील लाइक शब्द का प्रयोग होता है, जी मिचला रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि उल्टी कर दूं, तो वो वाली जो चीज है वो इस तरीके से अंग्रेजी में बनती है, आई फील लाइक वॉमिटिंग, मेरा मन कर रहा है उल्टी करने को, यानी मेरा जी मिचला रहा है। वह मतलबी है, वह मतलबी है। ही इज ए सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश स्वार्थी आदमी है, मतलबी आदमी है। भाड़ में जाओ, अभी आपको किसी को कहना है कर ना कर या भाड़ में जाओ, हमारे से क्या मतलब है? गो टू हेल, भाड़ में जाओ। तो ये इसकी अंग्रेजी हुई। कैसी लगी है मेरी वीडियो 19 सेंटेंसेस की? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।